Myself, Mahesh Srivastav. I'm taking classes of botany, and this is the class in which I am going to discuss anatomy. तो बच्चों सबसे पहले एक जो ये शब्द है एनाटॉमी, हम लोग इस शब्द को समझते हैं कि ये शब्द है क्या. तो हम लोग इसको लिखते हैं एनाटॉमी. और बहुत मज़ेदार बात ये है कि एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनाटॉमी में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को, और जिसको हम लोग टिश्यू के रूप में जानते हैं. तो हम इन दोनों चीज़ों को बहुत क्लियर कर रहे हैं, और यहाँ हम लोग लिखते हैं टिश्यू. और हम लोग पहले से जान रहे होते हैं कि जब हम लोग टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की को स्टडी कर रहे होते हैं. कहते हैं टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, और हम लोग टिश्यू के स्टडी को एक नाम दिए हुए हैं, और उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी. तो फिर ये दोनों शब्द आपस में कैसे कोरिलेटेड है ये समझना है. तो पहली बात यह है कि एनाटॉमी में भी हम लोग टिश्यू को पढ़ रहे हैं. पूरे एनाटॉमी में, पूरे प्लांट एनाटॉमी में जब हम लोग पढ़ाई की बात करेंगे तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ रूट, एनाटॉमी ऑफ स्टेम, एनाटॉमी ऑफ लीफ. तो जब हम लोग एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ पढ़ रहे हैं तो फिर हम लोग ये क्यों कह रहे हैं, और उस एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, टिश्यू पढ़ रहे होते हैं. जब हम लोग टिश्यू पढ़ रहे होते हैं तो टिश्यू के स्टडी को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी. तो द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, एंड वी आर टॉकिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर एनाटॉमी. तो पहले तो यहां हम लोग बच्चों कंफ्यूजन तुम्हारा दूर कर दें. ये दो दो शब्द है, दोनों शब्द का अलग अलग मतलब निकलता है. पहले का मतलब क्या है ये हम लोग देखते हैं. पहले का मतलब होता है, ये एनाटॉमी शब्द जो था ये दो शब्दों से बना हुआ है, एना और टॉमी, है ना. ये दोनों के बीच में एक लाइन मैंने खींची है जो बता रहा है कि ये दो शब्दों से मिला हुआ एक वर्ड है, और इस वर्ड को हम लोग कह रहे हैं एनाटॉमी. टॉमी टू कट, और एना इनटू पीसेस. अब हम लोग इसका मतलब समझते हैं, ये ऐसा क्या है और ये वर्ड शब्द कैसे बना. जब भी हम लोग सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे होते हैं तो पहला काम होता है सेल को कट करना. जैसे हम लोग रूट के एनाटॉमी के बारे में जानना चाहते हैं, हम लोग स्टेम के एनाटॉमी के बारे में जानना चाहते हैं, तो और लीफ के एनाटॉमी के बारे में जानना चाहते हैं. जो ही हम इन तीनों चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, हम रूट को या स्टेम को या लीफ को लेते हैं, प्लांट को सेलेक्ट करते हैं. और प्लांट को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग, जैसे सनफ्लावर के स्टेम को कटिंग किया जाता है, उसको स्लाइड बनाया जाता है, ब्लेड लेते हैं और उसके फिर काट काट के स्लाइड बनाते हैं. उनमें से जो यूनिफॉर्म स्लाइड होता है उसको फिर हम लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. तो इसका मतलब उस टिश्यू को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ा, हमको कई टुकड़ों में पहले काटना पड़ा. और जब कई टुकड़ों में काटे, उनमें से कुछ टुकड़े मेरे काम के लायक थे, यूनिफॉर्म थिकनिंग वाले थे, और उन्हें यूनिफॉर्म थिकनिंग वाले को हम लोग पढ़ना शुरू किए. और तब कहने लगे ये आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द प्लांट है, स्टेम है, रूट है, लीफ है. इसका मतलब हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, एनाटॉमी की हमारी शुरुआत हुई टू कट. और कट कितना पड़ा, तो कट हम लोग कह रहे हैं इंटू मेनी पीसेस. जब हम लोग कट की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कट इंटू मेनी पीसेस, बहुत टुकड़े में हमें काटना पड़ा. और काटने का तरीका ये होता है कि हम लोग स्टेम का एक पोर्शन लेते हैं और हाथ में ब्लेड रखते हैं, इसको यूं अपने उंगली पे रखने के बाद ब्लेड को अपनी तरफ प्रेशर डालते हैं और ये पतला पतला स्लाइस कटना शुरू होता है. चाहे वो रूट की स्टडी का बात हो या स्टेम की स्टडी का बात हो या लीफ की स्टडी का बात हो, तो जब ये पतला पतला स्लाइड करता है फिर उसको हम लोग स्लाइड पे रखते हैं, फिर उसको माउंटिंग करते हैं, उसको स्टेनिंग किया जाता है, कलर किया जाता है, और फिर हम लोग माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं. तो यहीं से ये शब्द शुरू हुआ, एना मींस इनटू पीसेस एंड टॉमी मींस टू कट. तो हमको सेल को स्टडी करने के लिए, फॉर द स्टडी ऑफ टिश्यू व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कटिंग द सेल इनटू मेनी पीसेस. व्हाट वी आर डूइंग बच्चों, वी आर कटिंग द टिश्यू, वी आर कटिंग द रूट, स्टेम, लीफ इनटू मेनी स्मॉल पीसेस. इसका मतलब टिश्यू को स्टडी करने के लिए हमें इसको काटना पड़ेगा, और बहुत से टुकड़े में, इनमें से कुछ यूनिफॉर्म जो टिश्यूज होंगे, यूनिफॉर्म जो
कटिंग करके निकलेगा स्लाइड, इन्हीं स्टडी इन्हीं के सहारे हम इसको स्टडी करना शुरू करते हैं। तो ये जो पहला स्टेप होता है वो होता है टू कट इन टू पीसेस, और इसी के लिए ये शब्द दिया गया एनाटॉमी। सबसे पहले इसका मतलब इफ यू वॉन्ट टू स्टडी हिस्टोलॉजी, इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर टिश्यू, यू विल हैव टू फर्स्ट कट द सेल इन टू मेनी पीसेस। सो दिस इज द टर्म वी कॉल इट एनाटॉमी। ये पहली बात हुई। अब दूसरी बात हम लोग आते हैं और इसको समझते हैं, एक टेक्निक कैसे इसको हम लोग याद रखें। टॉमी एंड एना, ये शब्द को, इस शब्द का मीनिंग कैसे याद रखा जा सकता है? तो ऐसे हम कहते हैं, हम सबके घर के सबके घरों में छोटा सा टॉमी होता है। टॉमी मतलब कुत्ते का बच्चा। तो कुत्ते का बच्चा क्या करता है बेटा, वो कुछ भी दे दो, रोटी वोटी कुछ भी दे दो, वो काटता रहता है। तो टॉमी मीन्स वो बच्चा जो काटता रहता है। टू कट, ये एक टेक्निक बता रहे हैं, ये न्यूमेरिक्स है, कहानी है, कैसे इन चीजों को हम याद करें। तो टॉमी मीन्स टू कट, और काट काट के छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देता है, इन टू पीसेस। तो हमको लगता है अब बच्चों तुमको ये याद हो गया कि कट इन टू मेनी पीसेस इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब हम लोग शुरू करते हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं पूरे एनाटॉमी में। आवर टॉपिक इज, जो हमारा सिलेबस होता है वो सिलेबस क्या है, तो ये हम लोग जानते हैं मेडिकल और इलेवेंथ में क्या क्या हमारा सिलेबस है। तो टिश्यू को जैसे हम लोग शुरू करते हैं, एनाटॉमी की बात करते हैं, तो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का पहला पार्ट होता है, हम लोग कहते हैं टिश्यू। टिश्यू के बाद जो दूसरा पार्ट हमारा आएगा वो हम लोग टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे। नाउ वी विल कॉल इट टिश्यू सिस्टम, ये सेकेंड टॉपिक हमारा हो जाएगा। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, या हम लोग लिख रहे हैं इसको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देन देयर विल बी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड देन देयर विल बी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये टिश्यू को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, तीन तरह के टिश्यू सिस्टम को। फिर जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा, उसको कहेंगे एनाटॉमी ऑफ रूट। हम लोग अब जो टॉपिक पढ़ने जाएंगे उसका पार्ट हो जाएगा एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है और हमको कैसे अप्रोच करना है। हमारा टारगेट होता है, जब हम लोग बायो लेते हैं तो हमारा टारगेट होता है अच्छे से अच्छे मेडिकल में क्वालिफाई करना, और मेडिकल में क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा मार्क्स जो होता है वो 90 मार्क्स, हम लोग कह सकते हैं 90 क्वेश्चंस आर फ्रॉम बायोलॉजी। When we are talking of biology, तो we are concerned with botany and zoology. तो जितना emphasis हम लोग bio में देंगे उतना ही emphasis physics और chemistry में है, in terms of number, in terms of marks. क्योंकि 90 questions are coming from biology and 90 questions are coming from physics and chemistry. तो हमारा emphasis equal है, जितना emphasis physics chemistry में हमको देना है उतना ही emphasis bio में देना है, क्योंकि यह बहुत बड़े number की बात हो रही है। ये 90 नंबर का मतलब होता है, 90 क्वेश्चंस का मतलब होता है 90 × 4 नहीं तो 360 मार्क्स का तुम्हारा सिर्फ बायो है। तो बायो में सबसे ज्यादा नंबर स्कोर करने के लिए जो पिछले 2007 के बाद का ट्रेंड एग्जामिनेशन का वो क्या है, वो है एनसीईआरटी बेस्ड। तो हमारी भी जो पढ़ाई होगी बेटा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगी, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग पहले के पहले एक तरीका था कि काफी एग्जॉस्टिव पढ़ाई करते थे, अब जो हम लोग है वो कॉन्सेंट्रेट हम लोग कर रहे हैं ऑन एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के बेसिस पे ही हम लोग पूरी पढ़ाई करेंगे और पूरे बॉटनी के टॉपिक को हम लोग एनसीईआरटी बेस करेंगे। एनसीईआरटी बेस का मतलब ये नहीं होगा कि बस एनसीईआरटी के लाइन तक ही सीमित रहना है, बल्कि उसके लेवल पे क्या क्या उसका दायरा हो सकता है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन ज्यादा उससे स्केप कर सकता है, उन सब चीजों को पॉइंट आउट करना। तो सबसे पहली बात जो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे वो ये कि एनाटॉमी में हम लोग टिश्यू से शुरुआत कर रहे थे। तो टिश्यू की शुरुआत में हम लोग सबसे पहले हम लोग सिस्टम को देख रहे थे कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो बेसिकली ये पार्ट है 11th का, और मेडिकल में 11th के पोर्शन से 65% से 70% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 12th के पोर्शन से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 11th का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि बोर्ड एग्जामिनेशन में 12th से ही मतलब रहता है बच्चों को, लेकिन मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से 11th का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं इन सब चीजों को समझने के लिए, और बॉटनी में एनाटॉमी का पोर्शन थोड़ा टफ माना जाता है, ऐसा लगता है कि बच्चों तुम लोग रट लो, एनाटॉमी रटने वाली चीज है। नहीं, बिल्कुल नहीं,
एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी ये जो पोर्शन है जिसको हम लोग रटने वाली मानते हैं, ये रटने वाली है ही नहीं। इन चीज़ों को सिर्फ समझना है और हम पूरी तरह से तुम्हें समझाएंगे और इतने अच्छे से समझाएंगे कि एक बार इसको फिर पढ़ोगे किताब को तो फिर ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे थे। फिर हम लोग फोर्थ टॉपिक पे आएंगे, जब एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम और लीफ को डिस्कस कर लेंगे तब हमारे पास टॉपिक रहता है, वो होता है सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ हमारे सिलेबस में जो है वो पोर्शन है ऑफ स्टेम। लेकिन हम लोग यहाँ पे रूट की बात भी करेंगे, हम लोग रूट से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आज तक आया हुआ है उन सारे क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं हम लोग को टारगेट करना है। जितना भी क्वेश्चंस आ चुका है मेडिकल में उनको टारगेट करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेविएट करेंगे आउट ऑफ सिलेबस, जिसको हम लोग कह सकते हैं, बट दैट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर स्टडी, दैट विल बी द पैटर्न ऑफ आवर स्टडी, बिकॉज वी आर गोइंग टू टारगेट ऑल द क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को जो एनाटॉमी से रिलेटेड है, जैसे एक टॉपिक है बार्क, है ना, जैसे टॉपिक है लेंटी सेल्स, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारे चीज़ टॉपिक को जब हम डिस्कस करेंगे तब हम ये कहेंगे कि हमारा एक पोर्शन खत्म होगा जिसका नाम है एनाटॉमी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, पहले एनाटॉमी की शुरुआत होती है टर्म टिश्यू से। तो सबसे पहले ये टिश्यू टर्म कौन दिया और यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो टिश्यू टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम था नेहमिया ग्रियो। तो साइंटिस्ट का नाम है, हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम लोग टिश्यू के डेफिनेशन को बताने के पहले फिर हम यहाँ पे एक टेक्निक बताएंगे तुमको कैसे टिश्यू का डेफिनेशन याद रखना है, और दूसरी टेक्निक बताएंगे साइंटिस्ट का नाम कैसे याद रहेगा। तो ये दोनों टेक्निक तुम्हें अभी तुरंत मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम था नेहमिया ग्रियो, और ये तुम लोग रटते हो साइंटिस्ट का नाम, तो हम लोग रटने की कोशिश नहीं करेंगे, समझेंगे ये नाम कैसे आया। क्योंकि जब भी कोई नाम आता है तो तुम देखना कोशिश करोगे तो कोई ना कोई न्यूमनिक्स निकल जाती है ना, कोई ना कोई चीज़ें ऐसे निकलती हैं जो तुमको हेल्प करती हैं बिल्कुल याद करने में। तो जो पहला टर्म था, हु क्वाइन द टर्म टिश्यू, तो हम लोग कहते हैं इट इज नेहमैन ग्रियो हु क्वाइन द टर्म टिश्यू। नेहमैन ग्रियो साहब ने टिश्यू टर्म को क्वाइन किया। तो ये जो टर्म क्वाइन किया गया टिश्यू, ये टिश्यू ग्रो करता है, एक तरीका मैं बता रहा हूं, टिश्यू क्या करता है, ग्रो करता है, टिश्यू ग्रो। और ग्रो का पास्ट टेंस क्या होता है बेटा, ग्रियो। ग्रो का पास्ट टेंस क्या होता है, ग्रियो। तो नाम याद हो गया, टिश्यू ऑलवेज ग्रो, और ग्रो का पास्ट टेंस ग्रियो, साइंटिस्ट का नाम भी ग्रियो। देखो कितने अच्छे टेक्निक तुमको बता दिए, तो अब साइंटिस्ट का नाम तुमको याद हो गया, इट इज नेहमैन ग्रियो। नेहमैन ग्रियो ही क्वाइंड द टर्म टिश्यू। और जो पहली बार ये बात बताए वो निश्चित रूप से बहुत महान होंगे, वो फादरली होंगे जो पहली बार इन बातों को बताए होंगे, इसीलिए इनको फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी कहा गया। तो नेहमैन ग्रियो से रिलेटेड कितनी बात जाने, रिपीट करो, पहली बात क्या जाने, ही क्वाइंड द टर्म टिश्यू, और दूसरी बात क्या जाने, इट इज नेहमैन ग्रियो हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। तो अब तक हम लोग दो बात सीखे, हम लोग शुरुआत कर रहे थे टिश्यू की, जो ही हम लोग वर्ड बोले टिश्यू, तुम क्या क्या सीखे, पहली बात सीखे साइंटिस्ट का नाम कैसे याद रखे, हमने कहा टिश्यू ग्रो, और फिर क्या कहा, ग्रो का पास्ट टेंस याद रखना है, द पास्ट टेंस ऑफ ग्रो इज व्हाट, ग्रियो। द टर्म नाउ बिकम नेहमिया ग्रियो हु कॉइंड द टर्म टिश्यू। सेकेंड पॉइंट क्या बताए, चूंकि ये पहली बार बताए सो ही वॉज फादरली, एंड हम लोग टर्म यूज किए फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। लेकिन अब ये काम, ये जो वर्क हो रहा था, ये तो पूरे वर्ल्ड में हो रहा होगा जब हम लोग टिश्यू की बात कर रहे होंगे, और इंडिया में भी काम हो रहा था। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा काम किए उनका नाम था के
ए चौधरी. इसीलिए मिस्टर के ए चौधरी ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी बट इंडियन फादर. मतलब इंडियन कंटेस्ट में है ना, हम लोग ये बोलेंगे इंडियन फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी. तो ये जो सेकेंड पॉइंट हम लोग बताए ये इंडियन कंटेस्ट में बता रहे थे. तो अब तक हम लोग सीखे, दो साइंटिस्ट का नाम याद हो गया, इट वॉज मिस्टर के ए चौधरी हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी एंड इट इज नेहमी ग्रीव हु कॉइन्ड द टर्म टिश्यू एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी. तो जो अगर क्वेश्चन आता है मेडिकल में, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, आप इस पर देखिए दो क्वेश्चन आप बना सकते हैं. और क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करता है इसको समझना है. इफ द क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, देन योर आंसर विल बी नेहमन ग्रीव. बट इफ द क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी, देन योर आंसर विल बी के ए चौधरी. थर्ड टर्म इज वॉट, टिश्यू. तो अब हम लोग टिश्यू का डेफिनेशन शुरू करते हैं. टिश्यू को हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं, तो अब तक जो तुम लोग पढ़ते आए हो फ्रॉम क्लास 7 और ऑनवर्ड, और हम लोग कहते हैं आज के डेट में फ्रॉम क्लास 5 और ऑनवर्ड, जो ही हम लोग टिश्यू की बात करते हैं वी यूज टू कॉल ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन. तो हम लोग एक टिश्यू के बारे में जो पढ़ते आ रहे हैं इसको डिस्कस करते हैं. इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल. अब तक जो पढ़ते आए हैं पहले ये बता रहे हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कैसा, तो कहते हैं कॉमन इन ओरिजिन ऑन, फिर बोलते हैं बट कॉमन इन फंक्शन एंड कॉमन इन फंक्शन. तो हम लोग पहला पॉइंट इसको घेरते हैं, सेकेंड पॉइंट इसको घेरते हैं और थर्ड पॉइंट इसको घेरते हैं. तो जब भी हम लोग टिश्यू की डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये हमारा ट्रेडिशनल डेफिनेशन हम लोग बता रहे हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू. ये जो डेफिनेशन है ये तुम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अब हम लोग एक नई बात ऐड करते हैं. सिमिलर के साथ साथ यहां पे एक वर्ड जोड़ते हैं, डिससिमिलर. तो अब ये डेफिनेशन हो गया, ग्रुप ऑफ सिमिलर एज वेल एज डिससिमिलर टिश्यू विच आर कॉमन इन ओरिजिन. जो ओरिजिन जिसका कैसा है, सबका कॉमन है एंड कॉमन इन फंक्शन. और तब ये टर्म बना टिश्यू. और इसको याद करने के लिए हम लोग क्या किए, एक तरीका फिर बता रहे हैं, रटना नहीं है. हम ये बार बार कह रहे हैं कि पूरे बॉटनी में रटने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ 1-2% एग्जाम्पल है, बाकी चीजों को समझना है. तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू को समझाने के लिए बच्चों सबको ही अपने 5 उंगलियों को ऐसे निकाल लो. 5 उंगलियों को देख के सोचो कि ये 5 उंगलियां बराबर हैं या अलग अलग हैं. तो देखने में कैसा लग रहा है, ये 5 उंगलियां अलग अलग हैं, लेकिन उंगलियों का ओरिजिन किसी ना किसी कॉमन सेल से हुआ होगा. अब तुम ये नहीं बोलना कि बच्चों कि ये पढ़ा रहे हैं सर बॉटनी और दिखा रहे हैं हाथ, मतलब जूलॉजी की चीजें, तो ये समझाने के लिए बता रहे हैं, तुमको समझना है. तो क्या कह रहे हैं हम लोग, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल. तो जब डिसिमिलर सेल की बात करें तो तुम इन 5 उंगलियों को देखो, 5 उंगलियां अलग अलग साइज की हैं, तो डिसिमिलर सेल हो गया. अब क्या करो, अब बच्चों इस 5 उंगलियों को मुट्ठी में कन्वर्ट कर लो. अब हम लोग क्या बोले, ग्रुप ऑफ डिसिमिलर. सिमिलर तो हम लोग बचपन से जानते आ रहे थे, एक नया टर्म देखे, ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल कॉमन इन ओरिजिन. सारी उंगलियों का ओरिजिन कॉमन हुआ होगा. और एक मुट्ठी बनाओ और बगल में अपने दोस्तों को मुक्के से मारो, तो सब उंगली मिलके एक मुट्ठी बनी और फंक्शन हुआ मारना. तो अब हम लोग क्या बोले, कॉमन इन फंक्शन. अब 5 उंगलियां मिलके मार रही है ना, जब मुट्ठी बनाए तो 5 उंगलियां मिलके मार रही है, तो ये कॉमन इन क्या हो गया, फंक्शन हो गया. तो अब ये डेफिनेशन तुमको याद हो गया, जब भी टिश्यू के डेफिनेशन की बात हो ऐसे 5 उंगलियां निकालो, फिर मुट्ठी बनाओ और बगल में जो तुम्हारे दोस्त हैं प्यार से उसको मारो, तो तुम्हारा हो गया डिससिमिलर इन ओरिजिन. सिमिलर हम लोग बचपन से जान रहे थे, और नहीं, डिससिमिलर इन हम लोग कहेंगे ग्रुप, एंड देन वी विल कॉल ओरिजिन के मामले में बोलेंगे कॉमन इन ओरिजिन, और फंक्शन के मामले में बोलेंगे कॉमन इन फंक्शन कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू. तो ये पहला पार्ट हो गया, हम लोग टिश्यू के डेफिनेशन को जाने.
जैसे ही हम लोग टिश्यू के डेफिनेशन को जाने तो अब हम लोग कहने लगे कि टिश्यू कितने तरह का है। तो प्लांट के केस में टिश्यू की जब बात करेंगे तो कहेंगे टिश्यू दो तरह का है, एक टिश्यू जो या तो डिवाइड कर रहा है या डिवीजन की कैपेसिटी को रिटेन करता है, ऐसे टिश्यू को कहते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू। तो पहला टिश्यू हो गया मेरिस्टमेटिक टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू का क्या मतलब हुआ, फिर से बोलो, हम लोग बताने जा रहे हैं। मेरिस्टमेटिक टिश्यू दो तरह, टिश्यू दो तरह का होगा, एक टिश्यू जो डिवाइड करेगा या डिवीजन की कैपेसिटी को रिटेन करेगा, ऐसे टिश्यू को कहते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू। दूसरा टिश्यू जो कभी डिवाइड करता था अब डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर चुका है, ऐसे टिश्यू को हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू। तो टिश्यू कितने तरह का हो गया, दो तरह का। तो पहले टिश्यू का नाम हम लोग रखे मेरिस्टमेटिक टिश्यू।